पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत विकास परिषद संस्कृति का अधिष्ठापन समारोह संपन्न हुआ। परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष पीके अग्रवाल और प्रांतीय वित्त सचिव अजय कट्टा ने शाखा अध्यक्ष हृदेश कुमार सिंह तथा सचिव उदयवान सिंह को शपथ दिलाई। सुनील कुमार शर्मा ने, प्रांतीय प्रतिनिधि सुप्रीत सिंह ने, उपाध्यक्ष पुनीत अग्रवाल ने, कोषाध्यक्ष और अंजलि गौर ने महिला संयोजिका के रूप में शपथ ली। अधिष्ठापन समारोह में आजादी का अमृत महोत्सव वीरांगनाओं की गौरव गाथा से मनाने का निर्णय लिया गया। निवर्तमान सचिव डॉक्टर काव्य सौरभ जैमिनी ने सत्र की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। नव चयनित अध्यक्ष ने शाखा की सदस्य संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि संजय रस्तोगी, उदयभान सिंह, हरिगोपाल शर्मा, डॉक्टर एस पी सिंह, गिरिराज शंकर पांडे, अनमोल गुप्ता, डॉक्टर हेमंत चौधरी, हरवीर मौजूद रहे। भारत के सर्वांगीण सदैव सचेत रहूंगा और भारतीय जनजीवन के विनम्र योगदान देने के लिए याद करें। मैं आज के जो कुछ भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे जो प्रांत के लोग हैं, जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय सचिव हैं, आज किन्हीं कारणवश हमारे प्रांतीय सचिव नहीं आ पाए, उनकी तबीयत खराब हो गई। और जो केंद्रीय हैं, जो दो लोग हैं, वो भी नहीं आ पाए। लेकिन बड़े फिर भी हमारे को बड़ा महसूस हो रहा कि हमारे संस्थापक, इस शाखा के संस्थापक डॉक्टर एस पी सिंह जी और हरिगोपाल जी यहाँ उपस्थित हैं। कुछ है नहीं, फिर ये इतना प्रयास क्यों करता है? लेकिन आज मेरी समझ में आया कि वाकई जो कल एक कली थी वो फूल बनी और जो गुलदस्ता बन गई, और उसके रूप में आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ साथियों, जिस पंछी के परों में जितनी जान होती है वो उतनी ऊंची उड़ान उड़ता है। और एक बात किसी का कहना है कि एक पत्थर तो आसमान में जिससे उछाल कर देखिए, कौन कहता है आसमान में छेद हुआ। तो ये सब मैंने आज यहाँ आकर देखा और मुझे बड़ा अच्छा प्रतीत हुआ। और जो ये पांच सूत्री हैं आपके भारत विकास परिषद के, ये सच्चे हैं। मैंने इनको कई बार देखा है, लोगों को जागरूक करते हुए, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो प्रयास भारत विकास परिषद ने करिए, इन संस्था ने करें, मैंने किसी और संस्था को ऐसा नहीं देखा। लोग संस्था को मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, सोचते हैं जाना है, दावत खानी है, एंजॉय करना है। लेकिन नहीं, भारत विकास परिषद में हर सदस्य, हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी पूरी तरह समर्पित है। और मैं बहुत बहुत आज फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ आज इस तरीके से गेस्ट बनाया गया और मुझे सम्मान दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बचपन का एक संस्कृति का दोहा था, वो मुझे याद आ रहा है आज। यशा न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणों न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूखी भार भूखा, मनुष्य रूपेण मृगा शरति। जिस आदमी के पास न यश है, न तप है, न ज्ञान है, न बल है, और जो किसी काम के लिए प्रयास नहीं करता, वो मनुष्य होते हुए ही जान बन के समान। तो साथियों, मेरा कहना यही है, जैसे भारत विकास परिषद है ये एक संस्था है, ऐसी कोई और संस्था भी, हर व्यक्ति का कर्तव्य किसी ऐसी संस्था से जुड़े और समाज के कल्याण में अपनी भागीदारी दे। मैं यही चाहता हूँ कि इस तरीके की चीजें होती रहनी चाहिए, ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे, समन्वय बना रहे, लोग एक दूसरे के लिए हाथ काम प्रयास करें, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें। यही संस्था का उद्देश्य भी है और ऐसा होना भी चाहिए। बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद आप सब लोगों का, जो मुझे आपको सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया हूँ। शुक्रिया साथियों, और मैं अपने भाई को नाम देता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।